नगर निगम शिमला की परिधि के अंतर्गत आने वाले इंजनगर वार्ड के तहत बंगाला कॉलोनी के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन नगर निगम में आने के बावजूद भी आज भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पक्के रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण रात के समय आने जाने में काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, पानी की भी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक नल है, वो भी बंद पड़ा है। इनका आरोप है कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, इस कॉलोनी में लोगों को मात्र वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल करती है और बाद में उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी सुध ली जाए और मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो हमारी इनकम भी इतनी ज़्यादा बना दी है, हमारे जहाँ पे हमारे कोई कागज डॉक्यूमेंट लगते वो हमारे इनकम ही ज़्यादा बना दी है, वो लगते नहीं। हमारे को तो कोई नहीं हमारे सुनाई सुनते, जो भी हमारे को तो एक्सपोर्ट से रखी हुई है सबने, जो आता है हमारे से वोट ले लेता है और चला जाता है। हमारे कुछ नहीं यहाँ पे सुनाई सुनते, जो भी हमारे तक कोई भी सुविधा थी हमारे तक नहीं पहुँचती। हम तो बस ऐसे रह गए हुए ऐसे और के पास चली जाती, कोई भी सुविधा हमारे तक नहीं आती। और मेरा इस वार्ड का जब भी कोई काउंसलर बना हमारे को बस मिसयूज किया, और ना तो हमारे को कोई सुविधा मिली। ये रास्तों को मैंने कभी भी, जब भी कोई सरकार भी जैसे बैठी, जब भी मैंने बोला सरकार को, जब भी हमारे ना रास्ते ना हमारे को कोई सुविधा, कोई बच्चों को ना कोई जो बुजुर्ग हैं उनको लिए कोई भी सुविधा हमारे को मिली। और जो ये ढारे हैं, टूटे फूटे पुराने ढारे हैं, कई बार हमने सरकार से बोला कि जी हमारे को भी थोड़ा बहुत इनको पक्का किया जाए, चाहे हमारे तो अभी नाम पे नहीं बोलते करेंगे, बोले अभी नाम पे नहीं तो तुम्हारे को ये भी नहीं कहे जाएंगे। सरकार बोलते सुविधा दे रही है और ना हमारे को ये सुविधा मिली, और हमारे तक कभी भी कोई भी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँचती नहीं खाते। और हमारे को तो एक ये रखा हुआ है कि वोट बैंक बनाया हुआ है, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद हमारा कोई भी किसी से नाम निकल जाता है, साइड कर देते हैं। और मैं तो सरकार से यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारी साइड भी ध्यान दें और हमारे को भी ये जो बेरोजगार की चीज़ है, हमारे को भी कोई रोजगार दें कि हमारे भी आगे को पीढ़ी ठीक चले। नहीं तो ये तो हमारा तो एक ऐसा चल रखा हुआ है कि भाई एक वोट बैंक बनाया हुआ है और वोट बैंक देंगे और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई ना कुछ नहीं पाएगा। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को भी देखा जाए और मेरी गरीब जनता जो उनको भी देखा जाए। हम गंगा संजौली इंजन घर वार्ड से बोल रहे हैं कि ये पानी की समस्या हमारी, और ये इतने साल हो गए ये फ्लड आके, अभी तक कोई इनके लिए मुआवजा नहीं मिला, हमारे को सुविधा नहीं मिली, कुछ भी सरकार ने क्या किया हमारे लिए। घर मकान के लिए खुद बोल के गए थे कि हम सीमेंट भेज रहे, रेता भेज रहे, रोड़ी भेज रहे, आज तक तो कुछ भेजे नहीं हमारे लिए। और फिर डंगों के हमारे देखना तो पानी बरसात में अंदर आ जाता है, ऊपर से हमारे रहने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, और इतनी सुविधा हमारे लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या करेगी ये सरकार। अगर छोटे छोटे काम ही नहीं हमारे बनाएंगे तो बड़े बड़े काम कहाँ से वोट भी है। और वोट बैंक हमारे को हमेशा ही बना के जाते और हमेशा इस्तेमाल करके चले जाते और काम कोई पूरे होते नहीं। उसके बाद तो कोई एक बार कॉलोनी में आके मुंह तक नहीं दिखाते, बाद में जब वोट लेने का नाम होता तब तो पांव तक पकड़ते आके हाथ जोड़ जोड़ के बोलते कि हमारे को वोट दो, हम आपके सुख दुख सब निपटाएंगे, छोटे छोटे काम हम निभाएंगे, पर वो वादे वो कहाँ चले गए इनकी कसमें। नमस्ते, मेरा नाम अंजना है। हमारे को पानी का बिल सबसे ज्यादा आया हुआ है, हम दो ही घर हैं, दो घर से कहाँ से हम देंगे, एक वक्त की खाते दो वक्त की क्यों रोना पड़ता है, कहाँ से हम इतना बिल देंगे, इसलिए पानी का बिल थोड़ा हो जाता तो गरीब आदमी है क्या, हमारे को सहायता मिलती है कुछ भी नहीं मिलती बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए क्या वो पेंशन मिलती है 3000 रुपया, उससे क्या होता है जी, कुछ भी नहीं होता, ना कपड़ा पूरा होता ना जूता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।